बिहार के रेल आईजी राजेश त्रिपाठी पहुंचे कटिहार, साइबर थाने का किया उद्घाटन। साइबर अपराध को रोकने में होगा कारगर। पूरे बिहार में आज साइबर अपराध को रोकने के लिए 44 साइबर थाने का उद्घाटन किया गया, जिसमें 4 साइबर थाने 4 अलग अलग रेल मंडल में खोले गए। कटिहार में भी बिहार के रेल आईजी राजेश त्रिपाठी ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने का उद्घाटन किया। रेल आईजी राजेश त्रिपाठी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि साइबर क्राइम पर रोकथाम और प्रभावकारी नियंत्रण के लिए इन साइबर थाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतनी जल्दी रिकवरी की संभावना रहती है। उन्होंने साइबर अपराध की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1903 की बात बताई और कहा साइबर अपराध से संबंधित सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। सर, पूरे बिहार में कितना साइबर इसका खुला है? सर 44 कहीं से फ्रॉड कर सकता है। हो सकता है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी आपके बैंक से, इसलिए उस पर उसका रिस्पांस टाइम बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए साइबर थाने को अलग से इस्टेब्लिश किया गया है ताकि घटना की सूचना जैसे ही मिले वैसे ही उस पर एक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है मैम, जितना डिले होगा उतना क्राइम को डिटेक्ट कर, खास करके पैसा निकासी के मामले में, उसमें जितना क्विक एक्शन होगा उतना रिकवरी होगा। तो इसका नोडल आपको आर्थिक अपराध इकाई है और उसके द्वारा नंबर भी जारी किया गया है, 1930 इसका नंबर है। आप कभी भी कहीं भी कोई भी फ्रॉड होता है आप 1930 पे, वहाँ पे 24 आवर्स वो काम होते रहता है। वहाँ पे डेस्क भी बहुत सारा है, आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं और वहाँ से आपको जिस जहाँ का ये मामला होगा वहाँ पे ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है।